CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के लिए कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक दूरवा का एक पाठ। पाठ का शीर्षक है बूढ़ी अम्मा की बात। एक था किसान, गोमा मोरी नाम था उसका। गुजर बसर लायक खेती थी। एक गाय, एक जोड़ी बैल, 20 बकरियां थी। छोटा सा घर, घर के सामने पशु बांधने का बाड़ा। तीन साल से वर्षा बहुत कम हुई थी, ना फसलें हुई थी ना चारा। इस वर्ष भी आषाढ़ सूखा ही रह गया। वर्षा की कोई आशा नहीं बंधी थी। अब मैं खेत जोत कर क्या करूंगा। गोमा ने एक लंबी सांस छोड़ी। वो बैलों को हांकते हुए वापस घर की ओर चल पड़ा। अगले दिन गोमा बड़े सवेरे सोकर उठा। सुनो जी। हाँ। अजी, मैं बकरियों को बाड़े से बाहर निकाल कर ले जा रही हूँ। ठीक है। उसकी पत्नी बकरियों को घेर कर उन्हें चराने चली गई। गोमा ने फिर हिम्मत बटोरी और हल को बैलों के कंधे पर रखकर चल पड़ा खेतों की ओर। रास्ते में उसे कई किसानों ने टोककर कहा, गोमा, खेत जोतने से क्या होगा? अरे वर्षा के तो कुछ भी आसार नहीं दिख रहे। ठीक है, कोई बात नहीं। अरे ये गोमा को क्या हो गया? हाँ, देखो भाई, देखो सूखा पड़ रहा है और ये खेत जोतने जा रहा है। बताओ सर, क्या हो गया इसको? पगला। गोमा ने सबकी बात सुनी और कुछ सोचकर खेत पर पहुंच गया। सूरज आग के गोले की तरह जल रहा था। खेतों में गहरी और चौड़ी दरारें पड़ गई थीं। वो बैलों को देखकर उनकी दशा से भी चिंतित था। उसने फिर एक लंबी सांस छोड़ी और खेत की मेड़ पर एक वृक्ष के नीचे बैठकर सोचने लगा। क्या करूं, खेत जोतूं या ना जोतूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो सोचता रहा। तभी वहां पर एक बूढ़ी अम्मा आ गई। अरे ओ बूढ़ी अम्मा, अरे कहां से आ रही हो इतनी तेज धूप में? तुम्हें किधर जाना है? बेटा, मैं तो अपनी नातिन से मिलने पास के गांव जा रही हूँ।
लेकिन तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? ये समय तो खेत में हल जोतने का है, लेकिन तुम यहाँ आराम कर रहे हो। अम्मा, तुम तो जानती हो 3 साल से वर्षा ठीक से नहीं हुई है। हाँ बेटा, इस वर्ष में यही हाल है। खेत जोत कर क्या करूं? देखो बेटा, वर्षा तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये तो प्रकृति पर निर्भर है। जब बादल बनेंगे तो वर्षा अवश्य होगी। अम्मा, खेत बहुत कठोर हो गए हैं, मेरे बैल दुबले हैं, इन्हें पेट भर चारा तक नहीं मिल रहा है, चारा पानी ही क्या, यहाँ तो पेड़ों की पत्तियां तक खत्म हो गई है। हाँ बेटा, पेड़ तो यहाँ सब लोग काट रहे हैं। देखो अब पेड़ भी कहाँ बचे हैं। अम्मा, जब पेड़ ही नहीं होंगे तो पत्तियां कहाँ से आएंगी? अगर पेड़ अधिक होते तो वर्षा भी अवश्य हो जाती, लेकिन जो हुआ सो हुआ। अब तो तुम लोग पेड़ों पर ध्यान दो। हाँ माँ। तुम बेटा निराश मत हो, खेतों में हल चलाओ, उन्हें हाँक जोत कर बोने के लिए तैयार करो। ठीक है अम्मा। बेटा, इस मौसम में कभी ना कभी तो वर्षा अवश्य होगी, अवश्य होगी बेटा। वर्षा अवश्य होगी। वैसे तो गोमा मन से निराश था, मगर बूढ़ी अम्मा की बातों से उसकी आशा थोड़ी बढ़ी। अगले दिन उसने पूरे उत्साह से अपना खेत जोतना शुरू कर दिया। चल बच्चे, चल, 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 चल। अरे खेत जोतेंगे वर्षा भी तो होगी ही होगी, अरे खेत जोतेंगे। चल 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 बच्चे। उसने लगातार 4 दिन तक हल चलाया, खेत खूब अच्छी तरह तैयार हो गए। गोमा अपना काम पूरा करके बहुत प्रसन्न था। अब वो बैलों को हांकते हुए घर की ओर चल पड़ा। पूरी राह वो गुनगुनाता रहा। चल चल बच्चे, चल चल, चल। अरे खेत जोतेंगे हम, वर्षा भी कभी तो होगी। चार दिन की कड़ी मेहनत के कारण वो निढाल होकर सोया। सवेरे जब वो सोकर उठा तो गाय रंभा रही थी, बकरियां मिमिया रही थी। वो पुलक कर उठा। उसकी पत्नी ने आंगन से आवाज लगाई। अजी सुनते हो? क्या है?
वर्षा होने वाली है। वर्षा देखो बादल गरज रहे हैं। वर्षा आ रही है। वर्षा तो अभी शुरू भी हो गई। उसने बादलों को जी भर कर निहारा। उसे लगा मानो बादलों से बूढ़ी अम्मा की मुस्कुराती हुई आकृति उभर आई हो। उसे बूढ़ी अम्मा की बात रह रह कर याद आ रही थी कि तुम अपना काम समय पर करो। बादल बरसने लगे, बारिश और तेज हो गई। बूढ़ी अम्मा की बात। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कलाकार सुचित्रा गुप्ता, शारदा गुप्ता, हर्ष बाला और सुनील लोहिया। ध्वनियांकन अमिता भट्टी। ध्वनि संपादन, निर्माण एवं निर्देशन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT।